अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम लोग गॉस सीडल मेथड की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक दो स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम इशू हुई थी। तो पहले मैं उसी प्रॉब्लम को इस वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये दो एग्जांपल्स देखी थी, कि एग्जांपल ये वाली थी, देन फिर हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है। दोनों में हमारे पास थ्री बस सिस्टम दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम एक रेज हो रही थी वो ये हो रही थी कि भाई हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे Y12, Y13 और Y23 की वैल्यूज़ जो प्रोवाइडेड हैं, हम उसी को यूज़ करते हुए गॉस सीडल वाला फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। मींस यहाँ पे जो फार्मूला नज़र आ रहा है, ये फार्मूला इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गॉस सीडल फार्मूला, बिकॉज गॉस सीडल वाले फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा होता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली कंडीशन ये है कि यहाँ पे साइन चेंज किए हुए, अदरवाइज ये फार्मूला गॉस सीडल वाला ही अप्लाई हो रहा है। वो किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्मॉल Y12, स्मॉल Y23, स्मॉल Y12 और स्मॉल Y23, ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे पास जो वाई बस से वाई बस मैट्रिक्स से जो हमारे पास एडमिटेंस वैल्यूज़ आती हैं, ये वो वैल्यूज़ नहीं है। ये वैल्यूज़ डायरेक्टली जो हमारे पास यहाँ पे गिवन हैं वो यूज़ करी हुई हैं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इट्स बेटर कि अगर आप पहले क्या करें, वाई बस मैट्रिक्स बनाएं 3x3 का, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मेथड के थ्रू। किस तरह बनता था तो वो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि भाई हमारे पास अगर ये एक देखा जाए तो हमारे पास अगर 4 बस सिस्टम है तो यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मेथड हमने क्या किया था, इस तरह से वाई बस मैट्रिक्स बनाया था। मींस पहले हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लेस किए थे, एंड देन पोजीशन वाइज उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की वैल्यूज़ को हमने 4x4 मैट्रिक्स के अंदर रख दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ इस तरह से वाई बस फॉर्म होके आई थी। अब इस वाई बस में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये जो YCDF आ रहा है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वो इम्पिडेंसेस हैं जो कि बिटवीन ऑल दीज ट्रांसमिशन लाइंस प्लेस्ड हैं। कि YB अगर नज़र आ रही है बिटवीन बस 2 एंड 3, यहाँ पे अगर मैं देखूँ दिस इज़ YB, देन बिटवीन बस 3 एंड 1 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे YE आ रही है, इसी तरह YF इधर आ रही है, इधर YED आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी एडमिटेंसेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, दे आर एक्चुअली YABCDEFG, बट हमें जो फॉर्मूले में एडमिटेंसेस प्लेस करनी होती हैं वो हमारे पास होती हैं लाइक Y12, Y23, Y32, ठीक है। और ये हमारे पास इन एडमिटेंसेस से डिफरेंट होती हैं, सही है। तो अगर आप नोट करें कि जब हम यही एडमिटेंस में या वाई बस में प्लेस करें तो देखिए माइनस में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बस वन से मेरे पास 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, तो अब यहाँ पे देखें बस वन पे जो डायगोनल वैल्यू है वो इन तीनों ब्रांचेस की एडमिटेंस का समीशन है, और ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ क्या हैं, इन तीनों ब्रांचेस के नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -YD, -YC और -YF, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यही डाटा यहाँ पर डाल के एक वाई बस प्लेस बना दी। तो सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, इधर भी यही काम हो रहा है। यहाँ इन्होंने जो स्मॉल Y12, Y23, Y12+Y23 लिखा है ना, तो ये एक्चुअली जो हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें माइनस आ रहा था, तो वहाँ पर माइनस जब आ रहा था तो यहाँ वाई बस यूज़ हो रही थी, बट क्योंकि हम लोग ये डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आया है। ये मैं बुक के रेफरेंस से भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इस बुक के रेफरेंस से, ये एक्चुअली फॉर्मूला है जो कि वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल वाई आई जे यूज़। अच्छा, अब इसी के अंदर यहाँ पे देखें, यहाँ मेंशन है हमारे पास कि
हमारे पास जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस का होता है वो रिप्रेजेंट करता है किससे, अपर केस लेटर से, यानी कि वाई आई जे, कैपिटल वाई आई जे के। और कैपिटल वाई आई जे हमारे पास एक्चुअली बराबर होता है माइनस ऑफ स्मॉल वाई आई जी, सही। यानी कि इधर अगर मेरे पास प्लस वाई आई जी आ रहा था तो अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल वाई आई जी प्लेस करना है तो वहाँ मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ कैपिटल वाई आई जी माइनस के साइन के साथ प्लेस करना होगा। तो यही चीज़ हमने देख लें कि यहाँ पे जब कैपिटल वाई की वाई प्लेस किया है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल हमने की हुई है उस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये स्मॉल वाई है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है जो कॉस हर्ल वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। जब यहाँ मैं माइनस प्लेस करूँगा तो इधर मेरे पास वाई वन टू नहीं आएगा, इधर आएगा कैपिटल वाई वन टू। और कैपिटल वाई वन टू की अगर मैं बात करूँगा तो कैपिटल वाई वन टू बराबर होता है माइनस वाई वन टू के, ठीक है। कैपिटल वाई वन टू बराबर होगा माइनस वाई वन टू के, किस तरह से, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन कैपिटल वाई आई जे बराबर है माइनस स्मॉल वाई आई जे के, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी एग्जाम्पल में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लेस करूँगा, यानी कि पुराना फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट उस वक्त फिर मैं यहाँ पे कैपिटल वाई वन टू लूँगा। इट मीन्स वाई वन टू अगर मेरे पास 10 माइनस जे 20 है ना, तो इधर एक माइनस आएगा, देन यहाँ पे मेरे पास माइनस 10 प्लस जे 20 आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल वाई वन टू बराबर होगा माइनस वाई वन टू के, ठीक है। बाकी सब ये वही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, बाहर माइनस है, अंदर इसके इस वैल्यू के साथ ही माइनस आएगा, इसके साथ ही माइनस आएगा, तो माइनस माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास ये इस तरह से वर्क कर रही है। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पे ये प्लस आ रहा है बट जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें तो माइनस था, तो भाई ये माइनस कुछ इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये वाई बस की वैल्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इनकी कनेक्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं। बेहतर यही है आप पहले वाई बस बना लें, वाई बस मैट्रिक्स 3x3 का बनाएं। जब वाई बस मैट्रिक्स 3x3 का बनाएंगे तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा हमारे पास कि जो वैल्यूज़ हैं वाई वन टू वाई टू थ्री किस फॉर्म में आ गई है, एंड देन यहाँ माइनस प्लेस करके इधर इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ रखिएगा, तो सेम यही इक्वेशन आपको घूम फिर के मिल जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी अप्लाई होगी, और इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल देखी थी यानी कि दिस वन, इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। इधर भी यहाँ प्लस लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस हर्ल्ड वाले फॉर्म में माइनस था, तो भाई वो माइनस जब था तो यहाँ कैपिटल वाई वन टू कैपिटल वाई टू थ्री कैपिटल वाई वन टू के प्लस कैपिटल वाई टू थ्री आ रहा था। ये बुक से मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूँ कि देख लें बुक के अंदर भी हमारे पास कि ये जो फॉर्मूला है जब यहाँ प्लस आ रहा था स्मॉल वाई आई जे आ रहा है, स्मॉल वाई आई जे आ रहा है, ठीक है। और ये स्मॉल वाई आई जे एक्चुअली हमारे पास क्या थे, वो एक्चुअल वैल्यूज थी, सही। और आउट ऑफ दिस इक्वेशन अगर मैं कहता हूँ ना मुझे रियल और इमेजिनरी पावर फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाऊँगा तो मेरे पास इक्वेशन के अंदर रियल वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा और इमेजिनरी वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यूज़ कर रहे हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि वही इक्वेशन, ये यहाँ पे जो इक्वेशन 6.28 है इसमें प्लस आ रहा है, इसी इक्वेशन को हमने जब कैपिटल वाई आई जे की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ देख सकते हैं आप माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉस हर्डल की इक्वेशन थी जो कि हम लोग यूज़ कर रहे थे, और उसी के साथ साथ हम लोग फिर क्या कर रहे थे, रियल पावर और इमेजिनरी पावर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी देख लें यहाँ कैपिटल वाई वैल्यूज आ रही हैं, तो जब कैपिटल वाई आ रही हैं तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, इधर माइनस आ रहा था इधर आए तो ये प्लस फॉर्म में आए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक जो कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही थी वो सिर्फ क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी,
ठीक है, कि आपको जो एग्जाम्पल है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एग्जाम्पल आप लोग ईजिली कर सकें। ठीक है, स्टिल कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।